नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। भारत सरकार के जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। आर्टिकल 370 पर एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापारिक रिश्तों को खत्म करने की गीदड़ भभकी दी है। साथ ही पाकिस्तान ने अपने उच्चायुक्त को भारत नहीं भेजने का फैसला लिया है, जिन्हें इसी महीने भारत में अपना कार्यभार संभालना था। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को पाकिस्तान छोड़ने के लिए बोला गया है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने से तिलमिलाया पाकिस्तान अब इस फैसले के खिलाफ यूएन में शिकायत करने की गीदड़ भभकी दे रहा है। भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने के पाकिस्तान के फैसले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान को नसीहत दी है और बोला कि भारत से रिश्ते बिगाड़कर पाकिस्तान को ही नुकसान है। अब किस तरह देखते हैं पाकिस्तान हमारे साथ व्यापारिक संबंध? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो क्या सोचते हैं, उनके ये करने से हम पर कोई असर पड़ेगा या हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये बहुत बहुत दूरदर्शिता की बात नहीं है। आज के विश्व में कहीं ना कहीं कुछ संबंध बना के रखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कार्य आ जाते हैं बीच में, ऐसी आवश्यकताएं आती हैं जिसमें अगर आपके संबंध ना बने रहें जो वास्तविक संबंध होते हैं तो उसमें साधारण लोगों को कठिनाई आती है। लेकिन अगर वो ये करना चाहते हैं तो वो करें, उनको कौन रोक रहा है। लेकिन हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना इसका, और जो आज वो करेंगे उसको उन्हें फिर पलटना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 10 दिन बाद, नहीं तो 10 महीने बाद। हम ये इतना कह सकते हैं कि उनके इस करने से हम पर कोई असर नहीं पड़ने जाना। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने हजारों लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया। न्यूज 18 उन गांवों तक पहुंचा जहां से लोगों को जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। और बाढ़ का संकट इन गांवों में लगातार बढ़ रहा है। गांव तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, केवल नाव के जरिए ही गांवों तक पहुंचा जा सकता है। एनडीआरएफ की टीम के लोग 2 दिन से लोगों को बचाने में जुटे हैं। तकरीबन अभी कितने लोग हैं? अभी अंदर 250 लोग हैं। हमने 1000 लोगों को उधर से रेस्क्यू ऑपरेशन से निकाला है। नाव के गांव तक पहुंचने के रास्ते पर इतना पानी है कि अगर नाव जरा भी इचकोले खाने लगे तो जान आफत में आ जाए। साफ तौर पे देखें, यहां पे आपको पोल दिखाई पड़ेगा, पोल से ऊपर तक जो है वो बिजली के तार हैं। और फिलहाल जो है सिक्योरिटी के मद्देनजर कि किसी भी तरह का हादसा ना हो, इसलिए जो है पावर सप्लाई को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। काफी देर के बाद न्यूज 18 उस गांव तक पहुंच गया जहां से सैकड़ों लोगों को निकाला जा चुका है। लोगों के घर कई फीट तक पानी में डूबे हुए हैं। दूर दूर तक केवल लहरों का कब्जा दिखाई देता है। मूसलाधार बारिश का आलम यह है कि गांव पूरी तरह से सन्नाटे में आ चुका है। हर दरवाजा आपको बंद मिलेगा जहां पे पानी की वजह से हर घर में घुसा हुआ पानी कहीं ना कहीं मुसीबतों का सबब बना हुआ है। जहां तक नजर जाए वहां तक केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ता है और लोगों की तकलीफें दिखाई पड़ती हैं। गांव में कई पक्के और मजबूत घर भी हैं। घरों में खड़ी हुई महंगी कारें भी दिखती हैं, लेकिन लोग जान बचाने के लिए घर छोड़कर जा चुके हैं। सबसे बड़ा संकट लोगों के सामने खाने पीने के सामान का है। खाने के लिए कुछ नहीं है, और जो बचा के रखा था वो भी अब खत्म हो रहा है, चावल ही बचे हैं। इन गाँव के लोगों की सबसे बड़ी चिंता गाय और भैंसे हैं, क्योंकि वो इन गाँव वालों की लाइफलाइन है और बाढ़ के बीच उन्हें अकेला छोड़कर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। इसीलिए गाँव के बीच की उन चंद जगहों को ढूंढा गया जहां पानी कम है। उस जगह पर सभी गाय भैंसों को एक साथ बांध दिया गया। गाँव में रहने वाले लोग जो हैं इस वक्त यहां से निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं जो जानवर हैं उनको लेकर अब समस्याएं बनी हुई हैं, जिसके चलते जानवरों को एक बड़ी रस्सी आपको बीच में दिखाई पड़ रही होगी, उस रस्सी के जरिए जो है इन सभी जानवरों को बांधा गया है। गाँव में कुछ लोग भी मौजूद हैं जो केवल इसीलिए रुके हुए हैं ताकि गाय भैंसों की देखभाल कर सकें। जानवर बाहर नहीं ले जा सकते ना, हाँ। और जानवर को ऐसा ही छोड़ के हम जा नहीं सकते, इसलिए हम इधर रुके हैं। एक आदमी हमारे घर का रुका है जानवर के लिए। लोगों के सामने मुसीबत ये है कि न तो गाय भैंसों को बाढ़ के बीच छोड़ा जा सकता है, न ही किसी नाव से तमाम गाय भैंसों को ऊंची जगहों पर पहुंचाया जा सकता है। यानी गाय भैंसों भेड़ बकरियों की देखभाल के लिए लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, क्योंकि गाँव की तस्वीर बेहद डरावनी है। पानी जो है वो बाढ़ का रूप ले चुका है। पारना नदी का पानी है जो इस वक्त अपनी चपेट में इस पूरे गाँव को ले चुका है। गाँव में घुसने का ही रास्ता ये आलम है कि
कमर के ऊपर पानी।